इसमें राउंड मारना पड़ेगा। हर्द खसे कैकिन कहीं वो हर्द वो आज थो छक टिलर वोल सो तुम कि टिलर ना वो गो टिलर वोल सो इनशाला वह वो हर्द हर्द वो क्या खस फिलहाल दी मकाय बिहल वा भाई हर्द क्या खस यह क्या यह राजमा बिहल यह गई राजमा यह दिन वह राजमा तो वो वो यह राजमा दिमो हर्द क्या खस पत् कस टाइम यह रोजान इत पत् कस टाइम यह खसान यह पे नौ रेत लग भग अक्टूबर नवंबर तक थोन नवंबर मेरे खसान यो पत्थ पे सारू तरह मुश्किल पे कान सारू मकई सारू राजमा तुल राजमा तुल ये टिलर वोल बोय पन्न टिलर वोल बोय पन्न पन्न अमिस बिचारिस तो आज मेहनत पे करी हे यपर मुश्किल यह खाल यह जंगलस मे जमीन जो है मक्की जो होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मक्की है तो मक्की की बुआई कर रहे हैं हम ये आप देख सकते हो तो मक्की बीज रहे हैं हम आपको मालूम होगा तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर हम मक्की बीज रहे हैं यहाँ पर हमारे जो ज़मीन है मक्की बीजी जा रही है वन ज़मीनदारी क्या वन ज़मीनदारी ज़मीनदारी मकई बिहल तुम तो अभी हम टिलर वाले का चेकिंग करेंगे यहाँ पर उसने मक्की बो के रखी है नहीं ये आप देख सकते हो कुछ दाने जो है वो अभी अभी भी ज़मीन के ऊपर है ये आप देख रहे हो यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ दाने ज़मीन के ऊपर है तो इसका मतलब है टिलर वाले ने अभी थोड़ा सा तो व्यूअर्स आप यहाँ पर देख रहे हो जब हमने जो टिलर है टिलर का काम जब हमने ख़त्म किया तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है ये इसके साथ हमें छाए जो है ये छाए ये चलाने पड़ते हैं मतलब ऐसे चलाने पड़ते हैं ये आप देख रहे हो ये छाए जो होते हैं ये ऐसे चलाने पड़ते हैं इससे ज़मीन का क्या होता है इसे ज़मीन अगर पानी आएगा वो साइड में चला जाता है एक नंबर और दो नंबर इसे ज़मीन जो है एक प्लेन रहती है एक लेवलिंग में रहती है और पानी जो ऊपर से आएगा वो यहाँ से चला जाएगा जब हम ये साइडों में चढ़ाएँगे तो ये जो चीज़ है इसे पानी साइड में चला जाता है तो ये जो ज़मींदारी जो होती है मक्की की बुआई होती है इसका जो मेन उसूल होता है वो यही होता है।